गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास टुडे आर टॉपिक इज इन ऑन अंडर बिहाइंड वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ सम कॉमन प्रपोजिशंस दीज आर प्रपोजिशंस क्या बोलते हैं इन्हें प्रपोजिशंस बोलते हैं ठीक है प्रपोजिशंस क्या होती हैं इन ऑन अंडर बिहाइंड एट्सेट्रा आर प्रपोजिशंस ये कुछ चार आज हम यूज़ करेंगे इनका लेकिन बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और इनका काम क्या है क्यों यूज़ करते हैं दे टेलर्स वेयर अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज ये हमें बताते हैं कहाँ पे पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग जो है वो पड़ी है या खड़ी है ठीक है मतलब उनकी जगह बताते हैं उनकी पोजिशन बताते हैं पोजिशन ऑफ द थिंग पर्सन प्लेस और एनिमल प्रेपोजिशन वहाँ यूज करते हैं जिससे हमें पोजिशन के बारे में पता चलता है ठीक है नाउ हम ये पिक्चर्स देखेंगे और सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगा सो लेट्स रीड यू कैन सी दिस पिक्चर ये दो पिक्चर्स ये फोर पिक्चर्स हैं आप देख रहे हो है ना रैट इज इन द बॉक्स फर्स्ट सेंटेंस में क्या है किसको अंडरलाइन किया है इनको अ रैट इज इन द बॉक्स अब फर्स्ट पिक्चर में देखो क्या है रैट कहाँ है बॉक्स के अंदर है है ना तो इनका मतलब क्या है अंदर रैट इज इन द बॉक्स रैट बॉक्स के अंदर है ठीक है अब सेकेंड पिक्चर में क्या है रैट कहाँ बैठा है बॉक्स के ऊपर बैठा है है ना तो अ रैट इज ऑन द बॉक्स मतलब अगर ऊपर बैठा है तो हम पोजीशन हमें कौन से वर्ड से पता चल रही है ऑन से तो ऑन किसके लिए यूज़ करते हैं ऊपर के लिए इन किसके लिए यूज़ करते हैं अंदर के लिए बॉक्स के अंदर अ रैट इज अंडर द टेबल अब क्या है थर्ड पिक्चर में रैट कहाँ है टेबल के नीचे है तो जब नीचे है तब हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं अंडर ठीक है अंडर मीन्स टेबल के नीचे किसी भी चीज़ के नीचे हो तो हम अंडर यूज़ करते हैं फाइन नाउ लास्ट इज लास्ट पिक्चर में कहाँ है रैट दिख रहा है आपको बॉक्स के पीछे चला गया ना तो लेट्स रीड द सेंटेंस अ रैट इज बिहाइंड द बॉक्स बिहाइंड मतलब पीछे बॉक्स आगे है और रैट कहाँ है पीछे है बॉक्स के तो so, रैट जो है वो बिहाइंड द बॉक्स है सो so, अगेन एक बार देखते हैं ये कहाँ है बॉक्स के इन द बॉक्स ऑन द बॉक्स अंडर द टेबल बिहाइंड द टेबल सॉरी बिहाइंड द बॉक्स है न यहाँ पे बॉक्स के अंदर बॉक्स के ऊपर बॉक्स के टेबल के नीचे और बॉक्स के पीछे फाइन इन ऑन अंडर एंड बिहाइंड समझ में आ गया चलिए लेट्स रीच सम मोर एग्जाम्पल्स यूज़ ऑफ इन पहले हम इन के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इनका यूज हम कहाँ करते हैं वाटर इन ग्लास एज यू कैन सी इन द पिक्चर इस ग्लास में पानी भरा हुआ है ना तो ग्लास के अंदर पानी है ना तो इन यूज किया है हमने नेक्स्ट <coughs> पिक्चर में फ्लावर्स इन वास फ्लावर्स कहाँ है वास के अंदर है है ना तो इन यूज हुआ है नाउ नेक्स्ट फ्रूट्स इन बास्केट फ्रूट्स कहाँ है बास्केट के अंदर फिश इन एक्वेरियम फिशेज कहाँ है अगेन एक्वेरियम के अंदर है तो इन सो यूज ऑफ इन आपको समझ में आ गया नाउ लेट्स रीड यूज ऑफ ऑन ऑन का यूज ऑन क्या होता है ऊपर है ना तो अ ग्लास ऑन टेबल अब ग्लास कहाँ है टेबल के ऊपर है अ मंकी ऑन अ ट्री मंकी कहाँ है ट्री के ऊपर अ कैट ऑन अ मैट कैट कहाँ है मैट के ऊपर ऑन अ मैट अ बुक्स ऑन अ शेल्फ बुक्स कहाँ है शेल्फ के ऊपर तो बुक्स ऑन अ शेल्फ तो ये सारी चीजें ऊपर हैं तो हमने यहाँ पे इन सब सेंटेंसेस में ऑन यूज किया है, है ना नाउ यूज ऑफ अंडर अंडर क्या होता है नीचे अ डॉग अंडर द बेड डॉग कहाँ है बेड के नीचे अ काउ अंडर अ ट्री काउ कहाँ खड़ी है ट्री के नीचे अगेन अंडर नाउ यूज ऑफ बिहाइंड मैंने आपको बताया बिहाइंड का मतलब पीछे अ कैट बिहाइंड करटन कैट कहाँ है कर्टन के पीछे अ मैन बिहाइंड द वॉल मैन कहाँ है वॉल के पीछे दीवार के पीछे ठीक है सो यूज ऑफ इन इन मीन्स अंदर स ऊपर यूज ऑफ अंडर अंडर मींस नीचे एंड यूज ऑफ बिहाइंड बिहाइंड मीन्स पीछे ठीक है इतना समझ में आया चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज वर्क लेट्स डू द एक्सरसाइज वर्क राइट इन ऑन अंडर बिहाइंड इन द ब्लैंक्स अब आपको ब्लैंक्स में इन ऑन अंडर और बिहाइंड लिखना है ठीक है माई टॉयज आर डैश द टेबल आप पिक्चर में देखो टॉयज कहाँ हैं टेबल के नीचे हैं ऊपर हैं पीछे हैं कहाँ हैं टेबल के ऊपर है ना तो माई टॉयज आर ऑन द टेबल ओवेन ऑन ऑन द टेबल नेक्स्ट पिक्चर में देखो देयर आर टू पिलोज डैश द बेड टू पिलोज हैं बेड पे कहाँ पे हैं बेड के ऊपर हैं नीचे हैं कहाँ हैं ऊपर हैं तो ऊपर के लिए क्या यूज होगा अगेन ऑन ओ एन ऑन देयर आर टू पिलोज ऑन द बेड नाउ नेक्स्ट देयर इज अ अन डैश द बुशेज लाइन कहाँ है बुशेज के देखो पिक्चर में बुशेज के पीछे है तो देयर इज अ लॉइन बिहाइंड द bushes, बी ई एच आई एन डी बिहाइंड पीछे के लिए क्या आता है बिहाइंड नाउ नेक्स्ट पिक्चर हिज शूज आर डैश द बेड उसके शूज कहाँ हैं बेड के नीचे है ना? तो नीचे के लिए क्या यूज होगा हिज शूज़ आर अंडर द बेड अंडर यू एन डी ई आर अंडर द बेड फाइन नाउ लास्ट पिक्चर आई कीप माई क्लोथ्स डैश द अलमीरा मैं अपने कपड़े अलमीरा के कहाँ रखता हूँ कहाँ रखते हैं हम कपड़े अलमीरा के ऊपर या नीचे या पीछे नहीं ना हम अलमीरा के अंदर रखते हैं तो अंदर के लिए क्या यूज होगा माई आई कीप माई क्लोथ्स इन द अलमीरा इन अंदर के लिए इन ठीक है चलिए नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर टू चूज द करेक्ट ऑप एंड फिल द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शंस चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बर्ड्स फ्लाई डैश द स्काई बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं इन द स्काई या बिहाइंड द स्काई बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई स्काई में है ना आसमान में फ्लाई करते हैं अ स्नैक इज क्रीपिंग डैश द बेड स्नैक कहाँ पर क्रीप कर रहा है अंडर द बेड या इन द बेड -E बेड मतलब के नीचे यू एन बी ई आर अंडर डोंट थ्रो गार्बेज डैश द फ्लोर गार्बेज मतलब कचरा कहाँ नहीं फेंकना है फ्लोर के अंदर या ऊपर ऑन द फ्लोर ओ एन ऑन ऊपर माई ग्रैंड पा इज सिटिंग डैश चेयर मेरे ग्रैंड पा जो हैं वो चेयर के कहाँ बैठे हैं ऑन चेयर या बिहाइंड चेयर ऑन चेयर ऑन अ चेयर चेयर के ऊपर काउ इज स्लीपिंग डैश अ ट्री काउ कहा सो रही है ऑन अ ट्री या अंडर अ ट्री अंडर अ ट्री नीचे सोती है ना यू एन डी ई आर अंडर ट्री के नीचे लास्ट इज थ्रो गार्बेज डैश द डस्टबिन कचरा कहाँ फेंकना चाहिए डस्टबिन के इन या ऑन अंदर या ऊपर इन गार्बेज आई एन इन द डस्टबिन ठीक है डन समझ में आया आपको चलिए लास्ट इज फन टाइम फन टाइम में आपको क्या करना है यू हैव टू लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद इन ऑन अंडर बिहाइंड आपको ये पिक्चर ध्यान से देखनी है और आपने इस फिलिंग द ब्लैंक्स इन ऑन अंडर और बिहाइंड के साथ फिल करनी है देन कलर द पिक्चर टू और उसके बाद आपको ये पिक्चर में कलर भी करना है ठीक है पिक्चर में कलर करना इज योर होमवर्क सो लेट्स डू द फिलिंग द प्लान चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द गार्डन बच्चे गार्डन में कहाँ खेल रहे हैं इन ऑन अंडर या बिहाइंड इन द गार्डन बच्चे गार्डन के अंदर खेल रहे हैं इन द गार्डन गार्डन में खेल रहे हैं ना अ चाइल्ड इज हाइडिंग डैश द ट्री बच्चा ट्री के कहाँ छिपा है देखो जरा पीछे है ना सो बिहाइंड द ट्री बी ई एच आई एन डी बिहाइंड अ गर्ल इज सिटिंग डैश द मैट गर्ल कहा बैठी है मैट के ऊपर अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द मैट द सन इज हाइडिंग डैश द क्लाउड्स सन कहा छिपा है क्लाउड्स के पीछे अगेन बिहाइंड बी ई एच आई एन डी बिहाइंड द क्लाउड्स

बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द स्काई बर्ड्स कहाँ फ्लाई कर रहे हैं इन द स्काई स्काई में आसमान में अ बटरफ्लाई इज सिटिंग डैश अ फ्लार बटरफ्लाई कहा बैठी है फ्लार के ऊपर ऑन द फ्लार अ बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन अ फ्लार ठीक है विद दिस योर चैप्टर यूज ऑफ इन ऑन अंडर बिहाइंड इज ऑल्सो फिनिश आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी यू हैव टू रीड एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस यूज ऑफ इन ऑन अंडर एंड बिहाइंड फाइन थैंक यू की कीप वॉचिंग एंड यू ऑल्सो हैव टू कलर दिस पिक्चर फाइन थैंक यू